हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की और एक्सेल में क्या खास है, क्या सिखाने वाला हूँ, आइए आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर मान लीजिए कि इन यहाँ पर लिखे हुए नामों में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं किया है किसी वजह से। तो अभी यहाँ पर हमें क्वालिफाइड लिखना है, लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने क्वालिफाई किया है आप यहां डायरेक्टली क्वालिफाई लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया मैंने क्वालिफाइड, ठीक है, लेकिन हमें ऐसे नहीं लिखना है। यहां पे ये क्वालिफाइड लिख दिया, अगर ये क्वालिफाइड है तो यहां पे लिख दिया क्वालिफाइड, ठीक है। ये तो एक बहुत जनरल वे हो जाएगा लिखने का, ठीक है। तो हमें ऐसे लिखना नहीं है, हमें कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि एक ही क्लिक में लिख दें, यानी कि सिंगल क्लिक हम करें और सारा ये जो भी क्वालिफाइड है वो फिल होकर आ जाए, कैसे होगा ये आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, उन सेल्स को सेलेक्ट करना है जहां पर स्टूडेंट क्वालिफाई कर गए हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्रेस कर लीजिए पहले, ठीक है। तो कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट करते जाएंगे, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको सिंपली बिना कोई बटन दबाए डायरेक्टली, एक्स्ट्रा बटन मत दबाइएगा, आप लिख दीजिए यहां पे क्यू यू ए एल आई एफ आई ई डी क्वालिफाइड लिख दिया, और आप एंटर मत प्रेस कीजिएगा, आपको प्रेस करना है कंट्रोल एंटर। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल और एंटर। तो जैसे ही कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि इन सब में ये फिल होकर आ जाएगा। आई होप की बात समझ में आई होगी, ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।